दोस्तों आज जिस मशीन के बारे में और जिस प्रोजेक्ट और जिस बिजनेस आइडिया के बारे में मैं आपसे बताने वाला हूं, वो बिजनेस आइडिया एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं बहुत बड़ी कंपनी से, तो आप तुलना करें जो ब्रांडेड कंपनी है आर प्योर, कैच और MDH, इनके मसालों की तुलना की जाए तो इनके मसालों के रेट रहते हैं 300-400 रुपये किलो के आसपास। हम सिर्फ हल्दी, मिर्च, धनिया के इनकी रेट की बात करें। और अगर आप खारी बावली दिल्ली मंडी के अंदर विजिट करते हैं, जो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट रहते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको इनके रेट मिलेंगे कच्चे मसाले के, बिना पिसे मसाले के 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। और जो बेहतरीन टॉप क्वालिटी की मिर्च होती है वो 130-140 रुपये किले में एट प्रेजेंट के रेट में आपको बता रहा हूँ। इन मसालों की पिसाई करके, बिना मिलावट के मसालों की पिसाई करके आप बहुत अच्छा मुनाफा और मार्केट बना सकते हैं, और अच्छा ब्रांड बना के बहुत खूब अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मेरा इस मामले में पूरा बेहतरीन दावा है कि आप अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आप में कैपेसिटी है, अगर आप सोचते हैं मुझे मसाले का काम करना चाहिए, अपना कोई ब्रांड बना के मैं छाना चाहता हूँ, तो आप इस मशीन को ख़रीदें। ये मशीन आपका धनिया, मिर्ची, मसाले, सारे मसालों की पिसाई करेगी, जो भी मसाले होते हैं वो सभी की पिसाई करेगी। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम सर से पूछेंगे जिन्होंने इस मशीन को मैन्युफैक्चर किया है। लेकिन आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें कि मशीन की क्या कैपेसिटी है, और इस बिज़नेस आइडिया से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से संबंध रखते हैं या फिर थोड़े दूर से भी हैं, तो एक बार मसाला मंडी खारी बावली जाके देखें कि कच्चे मसाले के रेट कितने हैं। ये आप में होना चाहिए कि आप मिलावटी मसाले नहीं बेचेंगे, क्वालिटी हमेशा चलती है। और आज अगर आपको कामयाब होना है तो उस टॉप लेवल पे जो मिक्स नहीं करते हैं, मतलब मसालों में मिलावट नहीं करते हैं, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। अगर सस्ते मसाले, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कहेंगे आपसे खरीदेंगे नहीं, तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जो लोग मिलावटी मसाले हैं, जो सस्ता खरीदते हैं, वो ही लोग मिलावटी खरीदते हैं, अदरवाइज प्योर मसाले खरीदने की मार्केट अब भी है। तो दोस्तों इस मशीन के बारे में सबसे पूरी जानकारी लेते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटी है और कैसे चलती है। इसमें कई सारी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसको जान के आप हैरान रह जाएंगे, अगर आप पहले से भी मसाला लाइन में काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सर आप हमें बताएं अपनी इस मशीन के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारी मशीनें देखी भी हैं और मैंने विजिट भी किया है, लेकिन इस मशीन में जैसे आपने बताया मेरे को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उसके बारे में हमें व्यूअर्स को जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मायूर कुमार शर्मा है और मेरी कंपनी नाम है एसके इंडस्ट्री। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मसाले का प्लांट, दिखाने जा रहे हैं मसाला पुलवाइजर, कि मसाला किस तरह पीसा जाता है, अलग अलग टाइप के जो मसाले होते हैं जो आपको मार्केट में खाने को मिलते हैं, वो किस टाइप से वर्किंग करते हैं, किस टाइप से उनको पीसते हैं। आपके सामने ये दिखा है, ये मसाला ग्राइंडर है पूरा एसके इंडस्ट्रीज कंपनी। दोस्तों सभी तरह की मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करती है, आपका 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके तहत हमारा एक ये प्रोडक्ट भी है, इसके अंदर आप किसी भी तरह के मसाले, चाहे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, राई, जीरा या अन्य कोई भी गरम मसाले हैं, आप वो पीस सकते हैं इसके अंदर। आपको मेटल यहाँ से डालना होता है, ये पीस पुसा के पूरा यहाँ पे इसके अंदर ग्राइंड होगा पूरा, और ब्लावर के थ्रू ऊपर जाएगा होपर के अंदर, और होपर से नीचे आप इसको यहाँ पे मोटर पे बॉयलर लगा हुआ है एक, तो उसके थ्रू आप एक कट्टे में इसको भर सकते हैं। इसके अंदर पूरे का जो लाइट कंजेशन है, जो भी लाइट का लगता है, पूरा 40 HP का पूरा लोड है इसके अंदर। 30 HP का आपको इस चैम्बर को घुमाने का लगेगा, 5 HP का आपको ब्लावर के लिए लगेगा, और 2 HP का आपको, चाहे तो आप 2 HP लगा सकते हैं, चाहे 1 HP लगा सकते हैं, उसके लिए आपको एक गियर बॉक्स के लिए लगेगा। एक घंटे का प्रोडक्शन जो है दोस्तों इसका, एक घंटे का लगभग 300 से 400 किलो इसका प्रोडक्शन आता है। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर इसको सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ मालूम है, इंडिया के अंदर जो हम खाने पीने से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुत अच्छी तादाद में सेल होते हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि अगर आपको ये जो आप मसाले पीस के अगर आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक 10 रुपये का पैकेट भी बिक रहा है, 100 रुपये का भी बिक रहा है, 50 किलो कट्टा भी बिक रहा है, 5 ग्राम का पैकेट बिक रहा है, और 100 किलो कट्टा भी बिक रहा है। क्या आप जानते हैं ये मसाले जब जहाँ ग्राइंडर में जब तैयार होते हैं या प्लांटों में जब तैयार होते हैं, तो उनकी किस टाइप से उनको तैयार किया जाता है, या उनकी कंडीशन क्या होती है, किस तरह से उनको उन पर वर्क किया जाता है। लेकिन अगर आप ये काम खुद करें और इसकी अच्छी खासी पैकिंग करके सप्लाई करें, तो इसके अंदर हमने एक ग्राइंडर और एक्स्ट्रा लगाया है इसके अंदर यहाँ पे, जिसके अंदर क्या होगा, अगर कुछ परसेंटेज में अगर आपका मटेरियल रह जाता है, मान लो बीज रह गए आपके 19 पीस से, तो यहाँ पे ये हमने ग्राइंडर और लगा दिया है, ब्लावर लगा दिया यहाँ पे, तो उसके तहत जब ये यहाँ पे एक मोटर, 1 HP मोटर से इसका कनेक्शन होगा, गियरबॉक्स से अटैच कर रखा हमने, तो बाकी बचा हुआ भी यहाँ से बिल्कुल पीस के बाहर निकल जाएगा। मतलब जो पहले कमियाँ थी इसके अंदर वो भी हमने दूर कर ली है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा प्लांट है, और मार्केट में बहुत अच्छी तादाद में इसका मेटल बिकता है। आप और हम देखते हैं, हर छोटी छोटी किराने दुकान से लेकर बड़े से बड़े होलसेल तक की दुकान पर आपको मिल जाएगा। आप इसकी रिटेलिंग करना चाहते हैं तो मार्केट में इसकी रिटेलिंग भी कर सकते हैं, और आप अगर इसकी होलसेल करना चाहते हैं
मतलब 50 किलो 60 किलो के कट्टे पीस के अगर बेचना चाहते हैं मार्केट में तो आप वो भी कर सकते हैं, बाजार में सप्लाई कर सकते हैं। आप मंडी से डायरेक्ट माल परचेज करें, ट्रक भर के परचेज करेंगे और फिर उनको पीस के अगर सप्लाई करते हैं तो दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। मतलब इस मशीन के हिसाब से आपको प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम मुनाफा होगा अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो, दोस्तों सारा खर्चा निकालने के बाद। तो सर मैं जानना चाहूँगा कोई ये मशीन आपसे खरीदना चाहे तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे वो खरीद सकता है? दोस्तों दो प्रोसेस है, आप अगर इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया के बाहर कहीं से भी है, आपको ओनली बुकिंग अमाउंट देना है 25%, बाकी पेमेंट हमारे COD सिस्टम रखा है। आपके वहाँ जब ट्रांसपोर्ट से मशीन पहुँच जाए तब आपको वहाँ देना है। और अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आइए देखिए मशीन और यहाँ से भी आप ले जा सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। दोस्तों सर ने बताया ग्राइंडर के बारे में, इस मशीन के बारे में, इसमें मेरे को नई टेक्नोलॉजी ये लगा कि यहाँ पे सर ने कुछ और बताया जो मसाला, अगर वैसे मैक्सिमम चांसेस हैं कि कुछ बचेगा नहीं लेकिन फिर भी कुछ अगर कुछ बचता है तो ये यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम करेगा और फाइनल आपका स्टेज में प्रोडक्ट को ले आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए, आप रिसर्च करें, सर्वे करें, जाएं देखें मार्केट में क्या कंडीशन है, प्योर मसाले की क्या रेट हैं, रॉ मटेरियल और तैयार प्रोडक्ट किस हिसाब से बेच सकते हैं। मेरा आपसे छोटा सुझाव ये रहेगा, अगर आप शुरुआत करते हैं इस काम की तो आप एक बार में चाहे अपने मार्केट में जाके, ट्रांसपोर्ट की हर जगह फैसिलिटी होती है, वहाँ से आप कच्चा माल खरीदें, अपने ट्रांसपोर्ट में नज़दीक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में लगवाएं, आपके घर आएगा, आपने एक एक क्विंटल तीनों चीज़ें लिया, धनिया हल्दी मिर्च लिया, वो आया आपने यहाँ पे ग्राइंड किया, उसको नॉर्मली पैकिंग में पैक किया 5 किलो 10 किलो में, आपने एक बार कस्टमर को चेक करवाया, कस्टमर बोले तो दुकानदार को आपने चेक करवाया, आप रिटेल में बेच के भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, बशर्ते कि आप अकेले भी, एक बंदा भी इस काम को कर सकता है, आपने एक दिन पिसाई किया दूसरे दिन उसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और बेहतरीन बिज़नेस आइडिया के साथ में, बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के साथ में, और एक ऐसे ही तरह की मशीन कोशिश करेंगे आपको दिखाएं ताकि आपके बिज़नेस में उस मशीन का काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रोल हो।